हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपका स्वागत है हमारे एक न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और अनाउंसमेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं देने वाला हूं। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने ओन रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं TW एंटरटेनमेंट। तो गाइज, मैं अपने कॉइन मार्केट पे आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पास पूरा मार्केट नीचे गिरा हुआ है, क्रैश पड़ा हुआ है। बहुत सारी कॉइन अपने इनिशियल रेट से बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मैं एक दो कॉइन का आपको चार्ट दिखा देता हूँ और रेट भी बता देता हूँ। बिटकॉइन की बात करते हो तो $34,000 पे आ चुका है। ये इथेरियम 2000 पे आ चुका है, कॉइन 0.3254 पे आ चुका है और XRP भी बहुत नीचे गिर चुका है। मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं पहले बिटकॉइन कहाँ पास था और अब कहाँ पहुँच गया है। पहले $60,000 पे था, अब $30,000 पे आ चुका है। मतलब इसकी रेट आधी हो चुकी है, हाफ। और ये अभी फिलहाल गिर ही रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रहा है। मैं आपको अभी कॉइन दिखा देता हूँ। मैं आपको इथेरियम का दिखा देता हूँ। इथेरियम तो 7.56% से नीचे जा रहा है। डॉजकॉइन 8.40% से नीचे जा रहा है। और देखिए, इथेरियम भी अपने रेट से हाफ हो चुका है। पहले $4,000 पे था, अब $2,000 पे आ चुका है। मतलब आने वाला है, अभी गिर रहा है ये, अभी हल्का सा भी बढ़ नहीं रहा है। तो ये कॉइन पहले ही मार्केट क्रैश हो रहा था, लेकिन ये कल से बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका है। ये मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा आगे की वीडियो में। तो हाल ही में एक न्यूज़ आई है चाइना से कि चाइना ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को बैन कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि 65% माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की चाइना में ही होती, तो इसके कारण भी मार्केट के रिस्क काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। उसके बाद फिर RBI ने भी एक रिपोर्ट दी थी। और इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ कि चाइना ने इससे जुड़ी सारी पेमेंट्स और सर्विस को भी बैन कर दिया है। RBI के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने एक बात कही है कि RBI क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई भी बदलाव नहीं किया है, वह क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर जो आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ओन रिस्क पे कर सकते हैं, और इसका फैसला स्टेट बैंकों पे और इन्वेस्टरों के ऊपर छोड़ चुका है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने ओन रिस्क पे कीजिए, इससे RBI को कोई भी परेशानी नहीं है और वो इस आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता है। तो इन सब के बावजूद भी मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा था, पर फिर भी ठीक ठाक रेट पे था। फिर कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ कमेंट किया। उन्होंने कहा ये कि क्रिप्टो करेंसी आगे वो डॉलर के अगेंस्ट एक स्कैम है। तो इसके बाद इतने तेज़ी से मार्केट नीचे आई। बिटकॉइन का रेट जहाँ कल 28 लाख पे था, वो घट के आज 30 लाख पे हो गया। इथेरियम 1.5 लाख पे पहुँच गया और कई सारी कॉइन तो अपने आधे रेट से भी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। तो अब देखते हैं हम आगे कि इसकी रेट और ऊपर जाती है या मार्केट और ज़्यादा क्रैश होता है। और इन सब के चलते ऊपर इलॉन मस्क का भी अभी तक कोई भी इस पर ट्वीट नहीं आया, जब से उनको एक हैकर ने धमकी दी थी। तो चलिए देखेंगे आगे होता है क्या। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो बेल आइकन हो उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी अपडेट आपसे ना छूट सके। मैं हर एक दो दिन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल न्यू है और आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बनते रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।